नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के सरकार के निर्णय के बाद इस पूर्व राज्य में लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को निजी दौरे पर राजधानी जयपुर आएगी। प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस के सह प्रभारी सचिव जुबेर खान के पुत्र के शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए जयपुर आ रही है। जयपुर में करीब 2.5 घंटे रुकेगी और फिर दिल्ली जाएगी। शादी समारोह में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रियंका गांधी दोपहर 3 बजे विमान से वाराणसी से जयपुर पहुंचेगी। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राजस्थान में फसलों पर टिड्डियों के हमले से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 माइक्रोकनेयर स्प्रेयर खरीदने का निर्णय किया। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी माइक्रोन ने माइक्रोनेयर स्प्रेयर मुहैया करवाने का ऑर्डर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मशीनें जल्द भारत पहुंच जाएगी और इनका इस्तेमाल किए जाने से टिड्डी नियंत्रण कार्य को गति मिलेगी। जयपुर के विराटनगर में बीएनडी कला महाविद्यालय चिमनपुरा में राजनीति के मकसद से प्राचार्य कांता कामरा का स्थानांतरण करवाया। प्राचार्य के पदभार संभालने से लेकर आज तक उन्होंने कॉलेज में अनेक ऐसे प्रोग्राम करवाए जिनसे छात्र व छात्राओं में शिक्षा के प्रति जागरूक किया, लेकिन महाविद्यालय के कुछ प्रोफेसर अपने राजनीति चलाने के चक्कर में स्थानांतरण करवाया। शिक्षा का मंदिर राजनीति का अखाड़ा बन गया। गंदी राजनीति नहीं होने देंगे। महाविद्यालय में ऐसे अगर होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नागौर के गुचामन सिटी में ग्राम पंचायत चुनाव, सरपंच व पंच चुनाव के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों में गुरुवार को 4 बजे तक चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिए गए। तो वहीं जिलिया ग्राम में सरपंच पद के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, तो नवसर्जित ग्राम पंचायत चांदपुरा में 4 उम्मीदवारों के बीच सरपंच पद के लिए टक्कर होगी। सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार टिड्डी दल के हमले के बाद खाजूवाला रावला के बाद 5 KD 281 हेड 12 MLD ग्रामीण क्षेत्र में टिड्डी कहर जारी। गुरुवार देर शाम को इन ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़े दल ने हमला बोल दिया। इसकी सूचना के बाद ग्रामीण अपने स्तर पर थाली भी और पटाखे आदि फोड़े गए। इस टिड्डी दल को उड़ाने का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि पिछले 6 माह से कई बार पाकिस्तान की तरफ से क्षेत्र में काफी नुकसान कर चुका है। सूरतगढ़ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के भांजे सुरेंद्र मेघवाल बीकानेर का श्री गंगानगर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही मेघवाल का श्री गंगानगर पधारने पर उनके स्थानों पर नववर्ष के स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ के 24 PBN खरला, नगी व श्रीकरणपुर, मांझीवाला, मुकुंद व अन्य स्थानों पर अनेक युवा साथियों द्वारा उनका स्वागत हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रभान कटारिया ने की और हर आयोजन में शिक्षा व रोजगार से जुड़ने का आह्वान किया। खबर जयपुर जिले के अंतर्गत सांभर अभिभाषक संघ की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव अभिभाषक व संघ कार्यालय में संपन्न किए जा रहे हैं, जिसमें कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वह 125 मतदाता अपना मतदान करेंगे। मौद्रान के स्थानीय श्रीमती फाऊ देवी त्रिलोकचंद जैन रतनपुरा आदर्श राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय परिसर में गुरुवार को आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित हुए 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में 8वें दिन भी रोगियों का तांता लगा रहा। डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि गुरुवार को 8वें दिन शिविर में 210 रोगियों की जांच व परामर्श व निःशुल्क दवाइयां दी गई तथा 40 रोगियों के अर्श भगंदर आदि रोगियों के ऑपरेशन डॉक्टर भरत कुमार सुथार सर्जन द्वारा सार सूत्र विधि से किए गए। आहोर उपखंड क्षेत्र के कुआडा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 3 विद्यार्थी राज्य स्तरीय पर राज्य पुरस्कार स्काउट अवार्ड समारोह से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किए गए जाएंगे। प्रधानाध्यापक महिपाल सिंह जोधा ने बताया कि विद्यालय में स्काउटर बेखुड़ा राम के नेतृत्व में 3 स्काउट विजय कुमार, कपिल कुमार व गोविंद राम का राज्य स्तरीय व राज्य पुरस्कार स्काउट अवार्ड समारोह से राज्यपाल कलराज मिश्रा द्वारा सम्मानित होने के लिए जयपुर के लिए रवानगी की गई।
जालौर जिले के आहोर उपखंड मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस को लेकर बैठक आयोजन उपखंड अधिकारी प्रशांत शर्मा व तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवीय विकास अधिकारी सांवला राम चौधरी की देखरेख में किया गया। इसमें विभिन्न होने वाली गतिविधियों व कार्यक्रमों की प्रणाली को लेकर चर्चा की गई व सभी विभाग के अधिकारियों को कार्यप्रणाली को लेकर निर्देश भी दिया गया। इस अवसर पर समस्त विभागों को झांकी निकालने के निर्देश भी दिए। जयपुर में यूको बैंक के खाताधारक किसान के साथ अन्याय हो रहा है। 2018 की फसल खराबी की गिरदावरी रिपोर्ट के बावजूद भी अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली। फसल बीमा कंपनी व बैंक की ढिलाई किसानों पर भारी पड़ रही है। बावरली निवासी किसान गंगाराम अगोदारा ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत क्षेत्र के हजारों किसानों ने बीमे की राशि संबंधित बैंक के माध्यम से बीमा प्रीमियम भरने पर गिरदावरी रिपोर्ट होने के बावजूद 2018 की फसल बीमा की मुआवजा राशि यूको बैंक के खाताधारकों को अभी तक नहीं मिली, जबकि अन्य बैंकों के खाताधारक किसानों को उक्त मुआवजा राशि मिल चुकी है। क्षेत्र के किसानों ने बीमा कंपनी व बैंक की धीमी कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र 2018 के फसल बीमे की मुआवजा राशि प्रदान करने की गुहार लगाते हुए समय पर नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भीलवाड़ा में जीतो यूथ विंग के 15 सदस्यों का दल पुणे में होने वाले कॉन्क्लेव के लिए गुरुवार को रवाना हुआ। 12 जनवरी तक होने वाले 3 दिवसीय आयोजन में देश भर के विभिन्न उद्योग व्यवसाय से जुड़े लगभग 1200 सदस्य भाग लेंगे। दल को अपेक्स डायरेक्टर राजेंद्र सिंह पोखराना, चेयरमैन अजय लोडा, निवर्तमान चेयरमैन राजेंद्र कुमार गोखरू, त्रिलोकचंद छाबड़ा, सुशील डांगी, यूथ चेयरमैन निशांत जैन, प्रशांत बाबेल ने स्थानीय जीतो कार्यालय से तिलक लगाकर विदा किया। जीतो यूथ विंग के दल में सदस्य जिसमें नरेंद्र सिंह पोखराना, सिद्धार्थ श्रीमाल, अमित अजमेरा, अंशुल जैन, सौरभ चौरड़िया, राहुल छाबड़ा, विजय काला, राजकुमार लोडा, आशीष चौरड़िया, मनीष लोडा, अभिषेक खजांसी सहित जैन शामिल हुए। जयपुर के सांगानेर में एनके पब्लिक स्कूल जैन विहार स्टेडियम के पीछे कल कलेक्टर के आदेश के बाद 2 दिन के अवकाश होने के बावजूद भी स्कूल प्रशासन आज भी बच्चों को स्कूल में बुलाया और इस पे किसी भी आदेश की पालना नहीं की गई और नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जैसलमेर के रामदेवरा में सरपंच व पंच प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए ठंड के अंदर इंतजार करना पड़ा। वार्ड प्रत्याशियों की लंबी सूची होने के कारण कर्मचारियों को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। भीषण ठंड के अंदर सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का इंतजार करना पड़ा। ग्राम पंचायत रामदेवरा में सरपंच उम्मीदवारों के 4 प्रत्याशी मैदान में रहे। वार्ड पंच में सैकड़ों प्रत्याशी अपना भाग्य जनता के भरोसे अजमा रहे हैं। दिल्ली से आ रही 23 ट्रेनें आज फिर देर से पहुंच रही है। बताया गया कि ट्रेन 1 से 3.5 घंटे तक लेट है। रेलवे के मुताबिक ट्रेनों की देरी से आने की मुख्य वजह कोहरा और ठंड है। फिलहाल गांव शहर बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।